देश के वीर सैनिकों के सम्मान में होली के पर्व के खुशियों को एक साथ मनाते हुए उदयपुर में वीर रंगोत्सव का आयोजन किया गया। विद्या निकेतन पूर्व छात्र परिषद की ओर से आयोजित इस रंगोत्सव में सेना के 21 ऐसे जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कारगिल, पुलवामा सहित अन्य युद्धों में अपनी वीरता का पराक्रम दिखाया था। परिषद के जिला संयोजक डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री ने बताया कि पहली बार इस तरह का अनूठा आयोजन किया गया है जिसमें होली के रंगों के साथ सेना के वीर जवानों के पराक्रम का रंग भी शामिल है। आयोजन में कर्नल दीपक रामपाल, पूर्व कर्नल के एस शक्तावत, कर्नल संजय त्यागी सहित सेना के कई सैन्य अधिकारियों ने शिरकत की। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जब से अभिनंदन जी पुनः देश पधारे हैं पूरा देश आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उसी के मद्देनजर हमने आज 21 सेना जवानों का सम्मान किया जो देश की सेवा में लगे हुए। कारगिल युद्ध जिन्होंने फाइट किया और हाल ही में जिन्होंने पुलवामा हमले के दौरान भी कई युद्ध लड़े, ऐसे हमने सैनिकों का यहाँ सम्मान किया और आज हम इस होली में दीपावली का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश आज एकजुट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में आज सेना का मनोबल बढ़ा है और सेना आज एकजुट होकर पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाना चाह रही है जिस भाषा में वो समझना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।